सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मोनिकाज किचन को और साथ में इस बेल को भी दबाइए ताकि आप मेरी हर रेसिपीज तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज मैं आपके साथ आम पन्ना की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आम पन्ना गर्मियों की बहुत ही खास रेसिपी है और ये आपको गर्मी और लू से राहत दिलाएगा। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है, लेकिन कोई भी रेसिपी है जब तक कि वो टेस्टी ना लगे तो बच्चे उसे खाना या पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी आम पन्ना की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट आम पन्ना। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो आम पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कच्चा आम लिया है, जिसको मैंने छीलकर और इसकी गुठली मैंने अलग कर दी है। उसके बाद मैंने इसको धोकर और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 20 से 25 यानी आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर फ्रेश पुदीना पत्ता लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। 125 ग्राम चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके आम के खट्टेपन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने 1.5 बड़ा चम्मच सौंफ ली है और सौंफ को मैंने 20 मिनट के लिए थोड़े हल्के गुनगुने पानी के अंदर भिगो कर रख दिया। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरे को भूनकर और उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक और सिंपल नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैं इसके लिए 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल करूँगी और थोड़े से आइस क्यूब्स हमें इसके लिए चाहिए। तो अब इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन के अंदर ये कच्चा आम डाल दें। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं करीब 125 ml यानी आधा कप पानी डाल दूँगी। गैस ऑन करके इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है। तो इसके लिए पैन को कवर कर दें और गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तब तक उबालना है तब तक कि हमारे आम के पीस उबल कर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। बीच में आप ढक्कन हटाकर इसे एक बार ज़रूर चला दें ताकि आम के जो पीस हैं वो नीचे पैन में ना चिपक जाएं। ये देखिए 3 मिनट बाद हमारा आम अच्छे से उबलकर तैयार हो चुका है। आप इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। ये देखिए, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जैसे ही आम ठंडा हो जाए तो इसे एक मिक्सी के जार के अंदर डाल दें, साथ ही पुदीना पत्ता डाल दें, भीगी हुई सौंफ डाल दें। अब चीनी डालकर हम इसे एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी मैंने इसके लिए टोटल 1 लीटर इस्तेमाल किया है। और पानी डालने के बाद हम इसके अंदर ये काला नमक डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर डाल दें, भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दें और स्वाद अनुसार सिंपल नमक डाल दीजिए। और ये सब डालने के बाद हम एक बार इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे दोबारा से अच्छे से ग्राइंड कर लिया है तो मुझे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की लगी है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अब एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान कर तैयार कर लेंगे। और इसे छानने के बाद मैंने यहाँ पर 2 गिलास लिए हैं डेकोरेट करके। इसमें हम आइस क्यूब्स डालकर इसको सर्व कर लेंगे। तो आइस क्यूब्स डालकर ये ठंडा ठंडा आम पन्ना सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। साथ ही इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब की साइड में आए हुए बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँ तो आप उसे मिस ना कर पाएँ। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।